हमारे पास दो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, और जो हमें मालूम होना चाहिए ब्यूटिशियन को, क्योंकि हमेशा जो फोन आते हैं कि मैडम फेशियल कैसा करना है, फेशियल कौन सा है, कोरियन ग्लास फेशियल लोग पूछते रहते हैं, हमको तो इवनिंग केयर सेट के बारे में ही मालूम है। तो जो हमारे किट्स है वो कैसे कैसे काम करते हैं वो आप देख लो। तो हमारे पास जो क्लाइंट सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं पिगमेंटेशन, एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हमारे पास क्लाइंट क्यों आते हैं, आप ही जवाब दे दो, स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। स्किन क्या ये सबसे ज्यादा आप फेयरनेस के लिए पिगमेंट को पिगमेंट कम कर दो, फेयरनेस फेयरनेस बिल्कुल मैं बॉडी हो जाओ और शाइन कर शाइन शाइनी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, है ना रेखा जी, मालूम है क्या रेखा जी, हेमा जी, क्यों जया ज्यादा नहीं, रेखा और हेमा बोलूंगा। रेखा तो बहुत ज्यादा किसके लिए फेमस है, अभी उसकी एज कितनी है मेरे ख्याल से 69 70 हो गई, लेकिन वो यंग दिखती है ना, सब चाहते हैं हम भी इस एज में थोड़ा सा तो यंग, 70 में हम कैसे दिखेंगे, ऐसा सोचेंगे तो रेखा के जैसे दिखेंगे क्या। तो सबको यंग दिखना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी भी एज की लेडी लेडीज या बोलो, अभी ऐसा नहीं है कि लेडीज को यंग दिखना, जेंट्स भी बहुत है और उनको भी अच्छा दिखना है। तो यंग दिखना हर एक की ख्वाहिश है, नहीं नहीं वो हमारी जरूरत भी है। क्यों जरूरत है, बिकॉज वी ऑल आर बिजनेस वुमन, सो वी शुड बी प्रेजेंटेबल। और अभी हर एक सिटी बोलो, हर एक गांव बोलो, जहां देखो काम करती है वुमन, और उनको प्रेजेंटेबल रहना है, उनको अच्छा दिखना है और यंग भी रहना है। तो हम एज क्यों होते हैं, देखो एजिंग तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। लेकिन अगर हम 40 के एज में 30 के दिखेंगे तो क्या बुरा है, किसको बुरा लगेगा, सबको सब चाहते हैं ना जो हमारी एज है उससे हम कम लगे। तो हर एक क्लाइंट जो हमारे यहाँ आते हैं उनकी ये ख्वाहिश रहती है, भले वो बोले या ना बोले, वो बोलेंगे हमारे स्किन के ऊपर ग्लो, लेकिन एंटी एजिंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आएंगे कि हमको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना है। अभी पहले ये बताओ, आप ब्यूटिशियन हो, आप कितने लोग यूज कर रहे हो एटोमी के प्रोडक्ट्स, हाथ ऊपर करो, क्या क्या यूज कर रहे हो, स्किन और हेयर सर्विस, स्किन और हेयर के सारे प्रोडक्ट, स्किन और हेयर के सारे प्रोडक्ट क्लाइंट को यूज कर रहे हैं, खुद के लिए भी, खुद के लिए परिवार दोनों के लिए, और आप खुद के लिए क्या यूज कर रहे हो, हाँ हाँ मैं रेगुलर सनब्लॉक और इसका आई क्रीम, आई क्रीम एम की मैं इसलिए यूज करती हूँ, मुझे पिगमेंट और हाँ बहुत ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा, मैं रेगुलर उसी से ख़त्म की हूँ। अच्छा, और दूसरा सनब्लॉक बिना मैं बाहर ही नहीं निकलती, सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसके ऊपर आने वाली हूँ, व्हाट इज सनस्क्रीन एंड सनब्लॉक एंड हाउ डज वी एज बिकॉज ऑफ सन जी। हाँ तो मैं खुद बताती हूँ, मैं खुद भी सेल एक्टिव ये जो है एब्सोल्यूट का ये पूरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। अभी मुझे आप कितने दिन से जानते हैं मालूम नहीं है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट है वो मुझे बोलते हैं, स्वाति तू आगे जा रही है तेरी एज या पीछे आ रही है, तो ये रिजल्ट्स मेरे ऊपर वो देख रहे हैं, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि तू क्या यूज कर रही है, अरे खुद ही जवान होते जा रहे, हमको भी करो ना कुछ। तो ये आपको करना है, जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट समझ में नहीं आएंगे, तब तक क्लाइंट भी आपको देख के ही आते हैं ना कि आपके जैसे स्किन चाहिए, आपके जैसे हेयर चाहिए। तो बीइंग अ ब्यूटिशियन यू शुड बी प्रेजेंटेबल, तो यू शुड यूज ऑल द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट तो ये जैसे मैम ने बोला सनस्क्रीन यूज करना ही है हमको। फिर से हम एब्सोल्यूट के ऊपर आते हैं, हम एजिंग क्यों हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो जाती है, जैसे मैंने बोला हमारे सेल्स जो है, हमारी जो पेशी है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो अंदर से, अभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बोली और वो ऑफिसर बोलेंगे,
लेकिन न्यूट्रिएंट्स जितना हम अंदर से देंगे, जैसे बोले बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी है, बहुत सारे हैं, नोनी है, अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ कुछ जैसे कि थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आप उसके ऊपर ध्यान अच्छी तरीके से देंगे तो आपकी अंदर की सिस्टम अच्छी हो ही रही है, हो जाएगी, हो रही है, इट इज अ प्रोसेस। तो आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स की, तो आपके अंदर से सिस्टम अच्छी हो रही है और होगी। लेकिन अगर आपको बाहर से एपिडर्मिस जो है, जो बाह्य त्वचा है, उसको अगर आपको रिपेयर करना है तो क्या करना है? पहली बात तो हमको हमारी जो जमा हुई कोशिकाएं हैं, जो स्किन के ऊपर पड़ी रहती है, वो हफ्ते में दो बार, ज्यादा नहीं निकालें, दो बार ही निकालें, तो क्या यूज करेंगे? पीलिंग जेल, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर है, जो मृत कोशिकाओं का पूरा घर बना हुआ है, तो वो निकल जाएगा। और फिर हम अगर ये सब यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ओके, तो एजिंग, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन टाइट, यंग स्किन हम किसको बोलते हैं, जो स्किन टाइट रहती है, जो स्किन ग्रोइंग दिखती है, उसको हम यंग स्किन बोलते हैं। और जिसकी स्किन के ऊपर अच्छा ग्रो रहता है, चमचम स्किन है ना, अच्छी ड्राई डल, ऐसी स्किन को हम बोलते हैं। क्या तेरी स्किन ड्राई हो गई है? तो ड्राई यानी कि क्या? मॉइस्चर डेफिसिट, बराबर। जितनी हमारी स्किन में मॉइस्चर अच्छी रहेगी, उतनी हमारी स्किन अच्छी रहेगी, ग्लो दिखेगा, उसके ऊपर ड्राइनेस कम हो जाएगा। दूसरी बात, हम एज, दूसरी बात स्किन का एजिंग क्यों होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो स्किन रहती है उसमें एक जड़न बड़न बोलते हैं हम, कोलेजन और इलास्टिन, उसका एक क्या बोलते हैं, ऐसे घट टाइट रहता है, और जैसे एज बढ़ जाती है ये ऐसा उसका टाइटनेस कम हो जाता है, कोलेजन इलास्टिन डिप्रिसिएट होता हो जाता है। और लेडीज का देखो तो आफ्टर 40 प्री मेनोपॉजल स्टेज, मेनोपॉजल स्टेज एंड पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज, ये जो थ्री स्टेजेस रहती है उसमें स्किन की हानि होती है, क्योंकि क्या हो जाता है, हमारा कोलेजन जो रहता है वो कम हो जाता है, और कोलेजन का कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी स्किन डल दिखने लगती है। तो स्किन का एजिंग इस तरह से होने चालू हो जाता है। अगर हम ऊपर से वो प्रोवाइड कर दे तो क्या हो जाए, तो हमारा जो सेल एक्टिव, उसका नाम क्या है, सेल एक्टिव किट, उसका जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। वो क्या करेगा, पूरी सेल्स जो है हमारी उसके ऊपर काम करेगा। अभी जैसे हमने पहले स्किन सेल का एक डायग्राम देखा था, तो आपको मालूम है हमारी हर एक पेशी में क्या रहता है, मालूम है किसको, वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ठीक है? जैसे जैसे एज मैंने बोला बढ़ती है वैसे वैसे हर एक पेशियों का, कोशियों का ये सब कम होने लगता है। और अगर हम ऊपर से वो प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी कोशिकाएं अच्छी तरीके से नरिश होगी, और जितनी वो नरिशमेंट उनको हम देंगे उतनी वो अच्छे दिखेगी, इट्स अ प्रोसेस। और एक हमारा सेल चेंज होने में 3 months लगते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट हमको कितने दिन मिनिमम यूज करना है, 3 months, बराबर। तो सेल एक्टिव जो एजिंग के लिए आते हैं उनको हमको अभी देखो, वो हमारे पार्लर में आएंगे तो हम पूरा किट उनके फेशियल के लिए यूज करेंगे, लेकिन होम केयर के लिए भी देंगे ना हम उनको। तो दिस इज द ब्रेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट मेरे यहाँ मेरे क्लाइंट को मैं ये देती हूँ, यू विल नॉट बिलीव, मेरी क्लाइंट है उसकी स्किन ऐसी ऐसी नीचे आ रही थी, लटक रही थी, पूरी लटक रही थी, और वो ऐसी आएगी ना तो दिखती थी ऐसी लटक रही थी, लेकिन मैंने उसको ये सेल एक्टिव किट दिया। वो बोली मुझे देखो मैं अमेरिका जा रही हूँ, अभी 2 महीने तो नहीं आऊंगी, और वो 2 महीने के बाद आई, लेकिन शी वॉज यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली, मैंने उसको वो सनस्क्रीन वगैरह पूरा दिया था, डीप क्लेंजर दिया था, और 2 महीने के बाद जब वो आई तो उसकी जो स्किन थी वो पूरी ऐसी ऊपर गई थी, एकदम टाइट में बोल नहीं रही हूँ, लेकिन जो ऐसी लटक रही थी ना
वो पूरी ऊपर लेगी ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट. इट मिनिमाइजेस और लोग कमेंट मुझे करते थे तू पहले से अच्छी दिखती तू क्या खाती है. मतलब आई एम नॉट एट सीरियस. मुझे अवंती ने तीन ही प्रोडक्ट किए क्योंकि वो बोले कि तुम सिंसियर नहीं हो ये तीन प्रोडक्ट्स को तुम स्टार्ट करो. बट इट रियली वेरी अमेजिंग. इट इज वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड सेकंडली मुझे पिंपल्स नहीं आ पिंपल्स आना बंद हो गया. तो मैं उसके ऊपर उसकी वजह से मैं आज जयपुर में क्योंकि जयपुर पोस्ट एड्रेस कहाँ से ना एंड पिगमेंटेशन ये ही देखा. सो इट वर्क्स फॉर बेसिकली उसके साथ वो डिप क्लेंजर को देना है बिकॉज इट कंटेन्स नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे स्किन को नरिश करता है हमारे स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे रहते हैं वो कम करता है. एंड दिस प्रोडक्ट वर्क लास्ट फॉर 4 to 5 months. मैं खुद यूज करती हूँ इसीलिए मुझे मालूम है. मुझे सिर्फ 2 मिनट आपको होने का टाइम देना बस. आपका होने का सिर्फ 2 मिनट मुझे माइक देना. यस यस यस. इसको मैजिकल बॉटल बोलते हैं. मैजिकल रियली इट्स अ मैजिकल बॉटल. क्लाइंट बोलेगा बहुत महंगा है. क्लाइंट को बोलना तू रिजल्ट चाहिए ना खरीदो. इतना महंगा नहीं है. इतना भी महंगा नहीं है. 4 महीने जाएगा डिवाइडेड बाय 4 to 5 months. तो वो हाँ और वो रिजल्ट देखेंगे ना तो फिर वो आप चार्जर को बताएंगे. अगर आपको अच्छा रेट लेना है तो इस बोतल को आपको 45 डे में खत्म करना होगा. अगर आप इसको प्रॉपर्ली का रिजल्ट आपको क्रिएट करना है तो इसको 45 डे के अंदर. ये होम केयर में कैसे यूज करना होगा. होम केयर मॉर्निंग मॉर्निंग यूज करना है नाइट में. नाइट में यूज करना है इसको और ड्रॉप्स से यूज करना है. आपको मसाज करना हल्की मसाज करके पूरे चेहरे के ऊपर लगाना है. और यहाँ जो है उसका सीक्वेंस बता दो. यस अभी इसमें जो है सर वो हाँ इधर ही दिखा देते हैं इसको दिखा. अभी इसमें लोशन है देन सीरम है अंडर आई क्रीम न्यूट्रिशन क्रीम टोनर. तो अभी हर एक प्रोडक्ट क्या काम करेगा. टोनर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपके स्किन को हमने क्या किया अभी पूरा इवनिंग केयर किट कर दिया तो क्या हो गया थोड़ा सा स्किन का पीएच कम हो जाता है इनबैलेंस थोड़ा सा हो जाता है. कोई भी क्लींजिंग करो तो थोड़ा सा हमारे स्किन का पीएच इनबैलेंस हो ही जाता है. तो ये टोनर हम यूज करेंगे पहले. इट इज नॉट इन वाटर फॉर्म इट इज इन जेल फॉर्म. तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जेल फॉर्म है. तो एक दो पंप लेंगे पूरे नेक से स्टार्ट करेंगे पूरे चेहरे के ऊपर लगाएंगे ठीक है. उसके बाद हम लेंगे लोशन. लोशन क्या काम करेगा हाइड्रेशन देगा. पूरा हमारा स्किन हाइड्रेट करेगा मॉइस्चर लेवल अच्छा करेगा मॉइस्चर लेवल बढ़ाएगा और हमारे स्किन के ऊपर जो ग्लो है वो आना चालू हो जाएगा. फिर ये है सीरम. सीरम में भी क्या है नियासिनामाइड्स है और प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमारे सब प्रोडक्ट्स में प्लांट एक्सट्रैक्ट से और ड्राई प्लांट्स नहीं यहाँ यूज हो जाते. यहाँ पूरे जो ताजे रहते हैं उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के वो यहाँ यूज किए जाते हैं. तो उनकी क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. ये जो प्रोडक्ट्स है बहुत नैनो पार्टिकल से बनाए गए हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन इसके लिए बढ़ जाता है. अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर आने वाली हूँ जो है अंडर आई क्रीम. नो चिट चैटिंग. फिर इसके बाद बोलो आपके रिजल्ट्स. अभी आपको ये अंडर आई क्रीम भी लगाना है ठीक है. सिर्फ चेहरा को रहा हूँ वैसे नहीं अंडर आई भी जाने चाहिए. देखो हम पहले एज कहाँ से होते हैं तो अंडर आई से. पहले रिंकल्स आते हैं सैगिंग हो जाती है ब्लैकनेस आ जाती है. तो ये सब जो बोल रही है ना ये सच सच है क्योंकि मेरा बिफोर का फोटो दिखा था
और आपको खिलाफ आप देख रहे हो, हमने मैंने इन्होंने यानी गाइडेंस दिया इन्होंने, इसलिए मैं बीच में आया। इन्होंने मेरे को दो चीज़ें बोली, एक तो ये, दूसरा इवनिंग केयर, और तीसरा ये हर वक्त मेरे को एक ही चीज़ बताती थी कि सनस्क्रीन यूज़ करना। जब से मैंने SPF 50 यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त के बाद मेरा टैनिंग कम हो गया, और जो आज फर्क दिख रहा है वो उसे यंग लग रहा हूँ और आज से फील हो रही है, तो ये ऐसा होने लगा। और दूसरी बात मैंने क्या किया, जो अंकित सर ने और राठौर सर ने मेरे को बोला था कि स्पिरुलिना लेना है, स्पिरुलिना भी लेना स्टार्ट कर दिया। दूसरा डाइट पर ध्यान दिया, और ये सब चीज़ें मिलकर इन्होंने ये सब मंजू है, ये सब इन्होंने सबने मेरे को गाइडेंस किया। उनको अगर थोड़ी सी टिप्स दी जाती है ये बारे में, तो 100% क्लाइंट पे फर्क पड़ता है। और एक ही चीज मैंने करके देखी, मैं भी डेमो देता हूँ, मेरी डेमो में फेशियल के स्टेप्स नहीं आते, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, पर मैंने देखा है कि क्लेंजिंग और शीट मास्क लगाओगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा। जो मैंने सिर्फ क्लेंजिंग करो और शीट मास्क लगाओ। दूसरा, मैंने आज परसों एक क्लाइंट को कम से कम 150 शीट मास्क बेचे हैं, 150 शीट मास्क। नाम भी बताता हूँ, पुणे की बहुत बड़े अच्छे सलून है उनका, मारिया सलून करके है। मैंने उनको मैडम को ऐसे ही पूछा, मैडम आपने इतने शीट मास्क क्यों लिया, 150 शीट मास्क। तो उसने मेरे को पूछा, देखो हम क्या करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, क्लाइंट एक घंटा बैठता है, हम क्विक फेशियल लगा लेते हैं या शीट मास्क लगा लेते हैं, उसके 300 रुपये अलग से लेते हैं। दूसरा, हेयर कट को कोई आता है, हम शीट मास्क लगा लेते हैं। लोगों को क्विक चाहिए, इमीडिएट चाहिए, तो शीट मास्क जो ब्राइटनिंग का शीट मास्क है ना, इतना मस्त है कि वो लगाने से 100% फर्क होगा। यही अभी सबको दिया लगाना, रात को, रात को आज लगाना और कल दिया दिखाना। सबने दिया है, सबने गिफ्ट किया, मैंने लगा मिल गया। और सबसे एक बार हम करते हैं कि जब इनको इनको डेमो के लिए लेके जाते हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि फ्यूजन अपना इसका रिजल्ट। मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी, क्योंकि बोल दो भारतीय गांव से है। देखो आप